हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस खुद के चैनल में जिसका नाम है उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं अगेन डिस्कस करूंगा आपसे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस होंगे वस्तुनिष्ठ, और ये सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान इस बुक में से। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो भी वीडियो बने थे इस बुक के, वो सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। और कुछ बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं बट अपना स्कोर मुझे नहीं भेज रहे हैं, और मेरे द्वारा पूछा गया कोई भी क्वेश्चंस का आंसर का सही कमेंट्स मुझको नहीं भेज पा रहे हैं, और कुछ लोग कतरा रहे हैं शायद। वीडियो पॉज करा, प्ले करा, अटेम्प्ट करा, 40 में से क्या स्कोर बना, अपने नंबर छुपा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि छुपाने से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको लगता है कि छुपाना आपके लिए वाजिब है, तो आप पक्का छुपाइए। ऑल द बेस्ट छुपाने के लिए, लेकिन अपनी कमियों को प्लीज़ इस तरह से नज़रअंदाज मत करिए। अगर अपनी कमियों को इग्नोर करेंगे तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे, थिंक अबाउट इट। कमियों का अगर आपको पता लग रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए कि उस कमी को कैसे ठीक करा जा सकता है। तभी आएगा सिलेक्शन, तभी होगा सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम में। कमियों को छुपाते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे सुबह शाम, तो ये फाइनली कहीं ना कहीं आप लोग चीटिंग कर रहे हैं अपने साथ, अपने परिवार वालों के साथ में, बाकी फिर जियो के साथ में। मैं तो बहुत दूर की काउंटिंग में आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्शन लीजिए अपनी कमियों के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इसी वीडियो में जो आपका क्वेश्चन आया होगा वही सेम डिट्टो कॉपी करके मैं आपको एक स्लाइड में पेस्ट कर दूंगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आप रिप्लाई मुझे पक्का करेंगे, और 40 में से आपका स्कोर क्या बना वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो चार नाम आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने जियाउद्दीन बरनी, अफीफ इसामी, या फिर अमीर खुसरो। तो 121 राइट आंसर होगा इसका, आपका डी। अगला क्वेश्चन है 121। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, या फिर वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। 122 राइट आंसर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर, कि किसने सिकंदर सानी, मतलब इसको बोलते हैं द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी? इल्तु तमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 123 राइट आंसर होगा इसका, आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। 124 राइट आंसर होगा इसका सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 125। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण करी थी? इल्तु तमीस, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 125 राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है 126। निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा, मतलब कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 126 राइट आंसर होगा इसका, आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है 127। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 127 राइट आंसर होगा आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 128। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक। 128 राइट आंसर होगा इसका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है 129। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, इनमें से कोई भी नहीं? 129
राइट आंसर होगा इसका ए, चंगेज खान। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। तो 130 हमारे सामने है कि किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई भी नहीं। तो 131 राइट आंसर होगा, 131 का बी, इल्तुतमिश। 131, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। 131 राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 132, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो राजगद्दी पर अफगान शासकों की बात कर रहा है, तो सही क्रम क्या है ये हमको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए और मेरे आंसर के साथ में टैली करिए। तो पॉज कर लिया, वेरी गुड, 132 राइट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन है 133, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद एंड नसरत शाह। तो 133 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, नसरुद्दीन मोहम्मद या महमूद। 134 है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने खारिज सॉरी दीवाने आरिज स्थापित किया, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू करी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, या फिर फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। तो कथन कौन सा सही है हमसे पूछ रहा है। तो 134 राइट आंसर होगा इसका डी। 135, तो 135 में हमको क्या करना है कि ए कथन आर कथन। तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो 135 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। 136 राइट आंसर क्या रहेगा इसका सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 137 की कौन सा सही रूप में सुमेलित है, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज। 137 राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 138 कि सल्तनत काल में वफाजिल का अर्थ है क्या, अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, या फिर इक्तदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, या फिर कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। 138, तो 138 का राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 में कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, उसका नाम क्या है, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। 139 राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये पर्सनैलिटी काफी फेमस थी, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन हमने देखे थे। तो अगर आपने अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर पिछले कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत क्लिक करिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की प्लेलिस्ट को, 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो करिए वीडियो को पॉज। तो देखिए 140 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 141 कि अपनी शक्ति को सीमांकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण करी, तूते हिंद की, कैसरे हिंद की, जिले लाए की, दीने लाए की। 141 राइट आंसर बनेगा इसका आपका सी, जिले लाए। कहते जिले लाए इंसाफ करो, याद है आपको डायलॉग बहुत फेमस हुआ था फिल्मों में भी। तो ये उपाधि धारण किसने करी थी, बलबन ने।
क्वेश्चन नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया था और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? किसने? बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, इनमें से कोई भी नहीं। 142, तो 142 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया ए तारंकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बन गया था, स्थित था दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में या फिर जोधपुर में? तो 143 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या? ये बनेगा आपका डी। जी हाँ, नागौर या फिर जोधपुर में। दरवाज़ा कौन सा है, प्लीज पढ़ लीजिए दोबारा एक बार। 144 है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चेहलगानी या 40 दल का निर्माण कराया, गठन करा? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। 144 राइट आंसर है इसका, इल्तुतमिश ने गठन किया 40 दल का। 145 की कौन राज दरबार में बलबन का सबसे पहले प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान, किसलू खान, जफर खां, इल्तुतमिश। 145 इसका राइट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 146 की निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। 146, तो 146 का राइट आंसर बनेगा आपका ए, बलबन। अगला क्वेश्चन है 147 किसके राज्यकाल में लखनौती मतलब बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई भी नहीं। 147 राइट आंसर होगा इसका बी, बलबन। अगला क्वेश्चन है 148। बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था क्या? ए, बी, सी, डी। पढ़िए ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट लगाइए अपना आंसर। तो 148 राइट आंसर होगा इसका सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 149 किसने राज दरबार में सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाजा एवं पाबूस मतलब पांव को चूमने की परिपाटी चलाई, मतलब ये प्रथा चलाई थी, उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। 149 है ये आपका बी, बलबन। प्यारा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। देखो, किसी के कदमों को चूमना या फिर मतलब सर जमीन पर रख करके किसी का मतलब सम्मान करना, ये कहीं ना कहीं गलत भी होता है। 150 है आपका। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफर सियाब, अमीर हमजा, तैमूर और इनमें से कोई भी नहीं। तो 150 का राइट आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है 151। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में रहता था या बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। तो यह उक्ति किससे संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, ये स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में, जीएस पेपर वन में। तो ध्यान रखिएगा, आप भी अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब, तो 151 राइट आंसर है इसका बी, बलबन। क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से किसने कैलूंगड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 152 राइट आंसर होगा इसका बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 153 है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन सी थी? ए, बी, सी, डी। पढ़िए चारों घटनाएं ध्यान से, घटनाएं केवल तीन ही बढ़नी है, डी तो क्या है, उपरोक्त सभी है। तो पढ़िए वीडियो को पॉज करके। 153 राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है 154। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके मध्य हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी, इल्तुतमिश। 154 राइट आंसर होगा इसका ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 155 राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वक्फ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। 155 राइट आंसर होगा इसका बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 156 अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था क्या? अबू रेहान,
इमामुद्दीन रेहान, अली गुरशाम्स और इनमें से कोई भी नहीं। तो 156, 156 का राइट आंसर होगा आपका सी। तो उलुग खान याद रखिएगा 158 है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। 1000 सैनिकों का प्रधान था, 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था इसको, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 158, 158 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अगला है क्वेश्चन 159 के। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या है? देखिए बहुत ही डीप क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, लुसेंट की नीली वाली बुक अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो दीजिए इसका आंसर वीडियो को पॉज करके। तो 159 राइट आंसर बनेगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 160। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रेयान, मतलब राजाओं का राजा की उपाधि दी, और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। देवनागरी के शासक रामचंद्र को, रुद्रदेव को, वीर बलाल को, वीर पांडे को। तो 160 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका ए। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमारे 160 क्वेश्चन कवर होते हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन कौन उसका राइट आंसर देता है। तो फ्रेंड इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 126, बताइए इसका राइट आंसर क्या है मुझको, और भेजिए अपना कमेंट। क्या लगता है आपको, आपने कितनी ईमानदारी से वीडियो वॉच करा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और आपका जो भी स्कोर बना फाइनली इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितना गेन करा वो भी मुझे कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट मुझे पक्का मिलेगा, अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं तो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो कमेंट आपको आपका कमेंट मुझे पक्का मिलेगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या आपका मन करता है कमेंट भेजने का फिर नहीं भेजने का, वो आप डिसाइड करिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ये देख लीजिएगा अभी हमने 15 मिनट पहले हमने पढ़ा इस क्वेश्चन को और अचानक से हम भूल गए। अगर आता है तो प्लीज़ रिप्लाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।